रायपुर में गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में दिवाली की रात एक कबाड़ गोदाम में आग लग गई। त्योहार की वजह से किसी का ध्यान नहीं गया और देखते ही देखते आग ने बड़ा रूप ले लिया। फौरन आसपास रहने वालों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। मौके पर पहुंची फायर डिपार्टमेंट के जवानों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। कांकेर जिले के पखांजुर ब्लॉक के बड़गांव थाना क्षेत्र में भालू के हमले से आदिवासी नेता की दर्दनाक मौत हो गई। गोंडवाना समाज बड़गांव सर्कल अध्यक्ष गणेश ध्रुव मवेशियों को चराने के लिए जंगल गए हुए थे। अचानक भालू ने गणेश ध्रुव के माथे पर जबरदस्त हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आदिवासी नेता गणेश ध्रुव की मौत हो गई। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोड़िया में मामूली विवाद पर ट्रक ड्राइवर और हेल्पर पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को सीपत पुलिस ने गांव के ललित यादव, नूतन राठौर, व्यास राठौर एवं अजय यादव को गिरफ्तार कर लिया है। धर्मजगड़ में छाल रेंज के बनहर जंगल मार्ग में चिनान लकड़ी से भरी ट्रैक्टर को पकड़ने में संबंधित वन विभाग को सफलता मिली है। वन विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने दबिश देकर बनहर के छात्रावास के पास ट्रैक्टर समेत चालक को धर दबोचा। विभाग द्वारा ट्रैक्टर चालक रमेश राम व अवैध चिरान से भरे ट्रैक्टर को जब्त कर 37 लाख साल प्रजाति की चिरान जब्त कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। दुर्ग जिले के अंडला थाना क्षेत्र में सिनाथ नदी से लगे बाड़ी के किनारे रविवार की रात से लापता रुदा खाड़ा निवासी किलेश्वर साहू के पुत्र समीर साहू की लाश बंद बोरी में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। लगभग 12 साल से फरार हत्या के आरोपी गोविंद दास को रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी रेलवे ने आरोपी के ऊपर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी चरोदा में हुई एक हत्या के समय नाबालिग था। पेशी के दौरान पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। 12 साल से दुर्ग पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले में नक्सलियों ने दिवाली पर्व पर धमाका करते हुए एक पोस्टर को चस्पा किया है। नक्सलियों ने आदिवासी समाज के नामचीन लोगों के नाम पर पर्चा चस्पा कर क्रमशः चतुर साह मंडावी, तुमड़ी कसा, मान सिंह तुलावी गठे गहन, विष्णु कड़ियाम चुगदा, धनीराम कड़ियाम चुगदा, मणिराम कटेगा शेरपाल, रामलाल जाड़े सहपाल को जन अदालत में सजा देने की बात कही है। बिलासपुर के श्रीकांत वर्मा मार्ग स्थित रामा मैग्नेटो मॉल के सेकंड फ्लोर में आग लग गई। मॉल के दूसरे माले में स्थित फूड प्लाजा के किचन से धुआं उठता देख मॉल में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। रायपुर के डी मार्ट स्थित एक दुकान से शर्ट, जींस, पैंट, स्टील थर्मस, एलईडी बल्ब, काजू, बादाम एवं अखरोट के पैकेट एवं तेल का डिब्बा, साबुन, फ्रेशनर व अन्य ब्रांडेड सामान अनुमानित कीमत 20,065 रुपए को बरामद कर आरोपियों ईश्वर प्रसाद यादव एवं गुलाब सिंह देवांगन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायगढ़ जिले के जुटमी थाना क्षेत्र स्थित संस्कार स्कूल के सामने मोहल्ले में दो लोगों में हुई खूनी झड़प में एक व्यक्ति की जान चली गई, वहीं दूसरे घायल व्यक्ति का अपेक्स हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। घटना मध्य रात 2 से 3 बजे के बीच बताई जा रही है। मृतक का नाम अन्नू बघेल तथा घटना में जख्मी हुए युवक का नाम रवि भारद्वाज है। कोरबा के देवहरी नवापारा आश्रित मोहला निवासी युवक महेंद्र मजवार पेड़ की डंगाल काटने के दौरान पेड़ से गिरकर घायल हो गया।
उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वह अपनी पत्नी के साथ रोजाना की भांति बकरियों को लेकर चराने देवपहरी के नवापारा पहाड़ी की जंगल में गया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिवाली के दूसरे दिन ग्राम जांजगिरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के खुशहाली के लिए छोटा चाबुक सहने की परंपरा निभाई। वीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री के कलाई पर छोटा मारा। छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए सीएम भूपेश बघेल प्रतिवर्ष छोटा अर्थात चाबुक का प्रहार झेलते आ रहे हैं। कोरबा जिले के रजगमार में दिवाली की रात एक गैरेज में भीषण आग लग गई। उसी में स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी है। आसपास के लोगों ने मिलकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। आग से लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जिले के गोलापल्ली थाना प्रभारी आशीष कंसारी ने बात नहीं मानने वाले आरक्षक के साथ जमकर मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ अंतर्गत बरमकेला ब्लॉक के सरिया के अटल चौक में स्थित एक फल दुकानदार के घर में लगे इस्लामिक झंडे के कारण तनाव बढ़ गया। सरिया अंचल के ग्रामीणों ने FIR की मांग को लेकर वो लोग थाने पहुंचे। पुलिस ने घर के छत तक पहुंचकर उस झंडे को उतार कर जब्त कर लिया है। फल विक्रेता मुश्ताक खान ने इसे अपने घर में लगाया था। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में बहतराई रोड से बसंत विहार चौक की ओर आ रहा एक कार चालक और बसंत विहार चौक से लोयला स्कूल रोड की ओर जा रहे बाइक सवार युवक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इससे बाइक सवार युवक के पैर की हड्डी टूट गई है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम एदमा खालपारा में जमीन विवाद पर साले की चाकू से मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने जीजा मिलन बारगाह को गिरफ्तार किया है। मृतक के पिता भव्य साय निवासी ग्राम केदमा खालपारा ने पुलिस चौकी केदमा के रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके बाद दामाद मिलन बारगाह ने जमीन विवाद के कारण इसके बेटे को चाकू से मारकर हत्या कर दी। कांके नारायणपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ में घायल महिला नक्सली मुंगी मंडवाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसे लेकर नक्सलियों ने पर्चा जारी किया है। 15 अक्टूबर को नारायण DRG के साथ देवगांव हुचड़ी में हुई नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी, जिससे महिला नक्सली मुंगी मंडावी पूरी तरह से घायल हो गई थी। रायपुर के माना कैंप थाना क्षेत्र में VIP रोड स्थित महाराजा मैगी पॉइंट के संचालक अजय गोस्वामी की हत्या करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने भाटा गांव के बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने रेस्टोरेंट में मंगलवार को काम करने से मना कर दिया था, तो अजय गोस्वामी ने दोनों को डंडे से मार दिया था, जिसके बाद आवेश में आकर दोनों आरोपियों ने उसी डंडे से अजय गोस्वामी के ऊपर हमला कर मौत की नींद सुला दिया।